ਜੋ ਸੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆ ਬੀਏ ਨੂੰ ਤੋ ਮੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲੇ ਭਾਰਤ ਫਿਰ ਨਾ ਬਟ ਪਾਏ ਚਾਹੇ ਜਾਨ ਭਲੇ ਹੀ ਜਾਏ ਭਾਰਤ ਫਿਰ ਨਾ ਬਟ ਪਾਏ ਚਾਹੇ ਜਾਨ ਭਲੇ ਹੀ ਜਾਏ ਭਾਰਤ ਫਿਰ ਨਾ ਬਟ ਪਾਏ ਚਾਹੇ ਜਾਨ ਭਲੇ ਹੀ आज भारत रक्षा मंच जम्मू कश्मीर की इकाई जो है अपना फाउंडेशन डे मना रही है। भारत रक्षा मंच एक राष्ट्रव्यापी राष्ट्रभक्तों का संगठन है। पूरे देश में आज जो है इसको मनाया जा रहा था। 27 जून 2010 में इसका शुभारंभ हुआ था। उस वक्त की जो बर्निंग प्रॉब्लम थी, जिसको राष्ट्रीय संकट कहा गया था, वो था बांग्लादेशियों की और रोहिंग्यों की बेधड़ा एंट्री जो हो रही थी इलीगल तरीके से अपने हिंदुस्तान में। उस पर हमारे कुछ बुद्धिजीवियों ने ये सोचा कि इसी तरीके से अगर ये इलीगल तरीके से यहाँ आते आते करोड़ों की संख्या तो बन गए हैं, अगर जब तक इनको यहाँ से बाहर नहीं किया गया तो ये हमारे देश की इंटेग्रिटी के लिए, यूनिटी के लिए और सॉवरेनिटी के लिए बहुत ही खतरा बन सकता है। और आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान को एक और डिवीजन का जो है वो फेस करना पड़े। तो ऐसे बुद्धिजीवों ने बैठ करके एक अपना वर्कशॉप किया है, शिक्षक जिसको कहते हैं शिक्षक वर्ग किया था, वो विदिशा में की थी। उस वक्त सबों ने ये एक राय से कहा था कि हमें इस बात को मनवाने के लिए सरकार पर 3-4-5 किस्म का प्रेशर डालना चाहिए। ये पॉलिटिकल प्रेशर होना चाहिए, हमारा लीगल प्रेशर होना चाहिए, पब्लिक प्रेशर होना चाहिए, मीडिया का प्रेशर होना चाहिए। इस तरीके से हमने ग्रुप बना करके हमने MLO के पीछे लगे, MPs के पीछे लगे, धरना दे करके, गोष्ठियों द्वारा, अपना मजारे द्वारा, प्रोटेस्ट द्वारा, विज्ञापन दे करके हमने प्रिंट मीडिया के तरफ से भी इसको दूर किया और लीगली तौर पर भी हम इसको जो है ले रहे हैं। और यही हम देख रहे हैं कि आज 10 साल की उपलब्धि में हमने पिछले साल ये देखा कि NRC जो है लागू करने से इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने हमारी ये बात सुन ली थी और उस पर वो वेरी संवेदनशील है और इसको करना चाहती है। और CAAA जो है वो इसी संबंध में आया था तो हमें राहत मिलती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जैसे पूरा विश्व जो है कोरोना से युद्ध लड़ रहा है, लेकिन ये अपनी बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि हिंदुस्तान को 4 जंगें एक साथ लड़नी पड़ रही हैं। 2 तो वो जंगें बॉर्डर पर लड़ रहा है, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, और देश के अंदर देशद्रोहियों से। आज का हमारा यही है कि हमने अपना ये दिवस जो है बनाना है और इसी के माध्यम से अपने अगले प्रोग्राम को हमने ये देना कि हम मोदी जी की सरकार के साथ और मोदी जी के साथ भारत रक्षा मंच चट्टान की तरह खड़ी है, ताकि हम उन फोर्सों का, उन देशद्रोहियों का